कहीं शूटिंग नहीं जा रहे लेकिन। अरे ये गलत बोलती है। चौहार जय यीशु सबको, और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो मैंने से बहुत लोगों को देखा है कि सब लोग अपने चैनल में क्यू एन ए करते, क्वेश्चन एंड आंसर्स वो करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी कर लूँ। तो ज़्यादा तो नहीं क्वेश्चंस, लेकिन इंस्टाग्राम में मैंने पूछा था तो थोड़े मोड़े क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो मैं उसके आंसर्स दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमसे कब मिल रही हो, और एक मेरी फ्रेंड है वो बोल रही मुझे कि कहाँ गई, कब मिलोगी। तो मिलेंगे बहुत जल्दी, क्या बोल सकते हैं, मिलेंगे। तुम लोग प्लान बनाएंगे तब ना मिलेंगे। हाँ प्लान बनाओ तुम लोग, अभिलाषी प्रीति। तो फिर तो तुम लोग प्लान बनाओ, रीयूनियन करो और फिर मिलते हैं फिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये स्टूडियो कहाँ पर है, अंशु म्यूज़िक। तो ये स्टूडियो हरमू में है, हरमू के पास में है। हाँ हरमू के पास में है स्टूडियो, हरमू चौक है वहाँ पर। आप क्या करती हो? तो मैं अभी मैं बीएससी लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका बीएफ है। तो मेरा बीएफ नहीं है। हाँ नहीं है। आंखों की हरकतों ने कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है ये, वाई सो प्रेटी। तो ठीक है, थैंक्स, लव यू फॉरएवर। थोड़ी सी बिकॉज ऑफ माय जीन्स, मेरी मम्मी के चलते। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शादी कब कर रही हो। प्यारी समझ गई। शादी कब कर रही हो? तो ये मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है, उसने मुझसे पूछा कि शादी कब कर रही हो। तो शादी में अभी बहुत टाइम है, अभी करेंगे आराम से, करेंगे तुमको बुलाएंगे हम, तुम ही तुम्हारी पार्टी की शान होगा तुम्हारा। फिर आप में इतना एटीट्यूड क्यों, इसको नहीं बोलते, दूसरा बोलते हैं। गजब बेइज्जती है। तुम इतना क्यूट कैसे हो? तो बस हूँ थोड़ी सी, थैंक यू सो मच ये बोलने के लिए। फिर है वेटिंग कर रहे हैं आपका बेस्ट वीडियो का। मैं खुद वेट कर रही हूँ मेरा बेस्ट वीडियो का। ए उठा ले रे देवा, उठा। फिर नेक्स्ट है आप बहुत अच्छी है और डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, और क्यूट तो बहुत ज़्यादा हो, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। तो ये मुझे एक शूटिंग में मिली थी, तो थैंक यू उसके लिए, इतना इतना तारीफ करने के लिए। मैं डांस भी अच्छा करते हो, बहुत क्यूट हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया, तुम भी बहुत क्यूट हैं, तुम भी बहुत क्यूट हैं। और तुम्हारा, तुम लोग का डांस फर्स्ट टाइम तुम लोग से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और तुम लोग बहुत डांस भी करती है, मेरे से तो अच्छा ही करती है। हाँ तो इसकी इतना था, इतना इतना तारीफ के लिए शुक्रिया। क्या पढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या पढ़ रही हो और कौन सा डांस स्टाइल तुम्हारा फेवरेट है। तो मैंने बताया अभी कि मैं बीएससी लास्ट ईयर, अब मेरा एग्ज़ाम चल ही रहा है, कल मेरा एग्ज़ाम है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। तो हाँ कल मेरा एग्ज़ाम है। और कौन सा डांस स्टाइल तुम्हारा फेवरेट है? तो मेरा फेवरेट, मुझे तो पसंद है पॉपिंग, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हाँ मेरा मतलब ऐसा पर्टिकुलर कोई डांस स्टाइल उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बैकिंग अर्बन हिप हॉप यही सब। फिर है शादी करी। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो। नहीं
नहीं अभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फर्स्ट एल्बम क्या है, प्लीज रिप्लाई मी। तो नागपुरी में मेरा फर्स्ट एल्बम था दिल में फीलिंग जगा ले, दिल में फीलिंग जगा ले, ठीक है, ये आयुष फिल्म्स में आया था। तो ये मेरा फर्स्ट एल्बम था। और संथाली है मेरा, तो हाँ संथाली में था ओ पिया ओ दुलर, जो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था। और एक 5 6 दिन पहले ही उसका ओ पिया 2 1 साल के बाद रिलीज़ हुआ है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वाला वीडियो अभी जाके देख लीजिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन आई डेट यू। क्या नहीं क्या बोला? तो नहीं। क्वेश्चन है कि हमको भी चांस मिलेगा क्या आपकी इंडस्ट्री में। तो ये मेरा इंडस्ट्री नहीं है, ये इंडस्ट्री सबका है। कोई भी मतलब कोई भी अपना जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अपना कर सकता है, मतलब जिसको भी मन है वो आ सकता है। ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी अपना चैनल बना के कोई भी अपना गाना वाना। हाँ तो आप अपना चैनल खोलिएगा तो मेरे को ज़रूर याद कीजिएगा। बहुत तेज हो रहे हो हैं, बहुत। दिल हो चंगा तो कठौती में गंगा, जो दिल बोले वही करो। ये क्वेश्चन था। ऐसे तो नहीं होता है। दिल हो गंगा तो कठौती, सॉरी सॉरी, अच्छा दिल हो चंगा तो कठौती में गंगा, दो जो दिल बोले वही करो। सही पढ़ा आपने। तो मेरा और एक क्वेश्चन क्वेश्चन था कि आप कहाँ रहते हो, आपका आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। तो मैं रांची में रहती हूँ और मेरी फैमिली में हम लोग 3 बहन हैं, एक भाई है और एक पापा एक मम्मी है। सॉरी पापा मम्मी एक ही होता Are you stupid or something? तो पापा मम्मी है और पापा दिल्ली में रहते हैं, मम्मी हम लोग के साथ रहती है। तो हम लोग 6 जने हैं। और यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरे घर में बहुत सारे, मेरा घर एक चिड़िया घर है। गजब बेइज्जती है। तो मेरे पास 2 बकरी भी हैं, 3 4 बत्तख भी हैं, बत्तख हाँ छोटे छोटे बत्तख भी है 4 5, और मुर्गी भी है। तो यही सब मेरी फैमिली है और मैं किसी को भूल रही हूँ। किचन पूछा कि क्या आप कभी दुमका आए हैं। तो हम कभी दुमका नहीं आए हैं, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो मैं दुमका ज़रूर आऊँगी। और एक क्वेश्चन था कि क्या था, तुम इतनी क्यूट कैसे हो। तो ये क्वेश्चन जो है मेरे जो हीरो थे बचपन का प्यार, हाँ, उन लोग उनको तो आप जानते ही होंगे, तो उन्होंने पूछा है। तो क्योंकि मेरी मम्मी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी पे गई हूँ इसलिए मैं क्यूट हूँ थोड़ी सी। और हाँ तो ये जो क्वेश्चन पूछे उनके बारे में मैं यही कुछ कहना चाहूँगी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम काम किया था तो मैंने इतना टेक लिया था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे, लेकिन चेहरे से तो पता चल ही जा रहा था कि अंदर में क्या चल रहा है। तो कोई बात नहीं। हाँ तो इतना ही, नहीं, ऐसे बोलने नहीं किए। हाँ तो इतने थोड़े से ही मेरे पास क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने इतने थोड़े के ही आंसर दे दिए। और हाँ तो अभी तो एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम के बाद मैं शूट का सबका बिहाइंड द सीन सब डालूंगी। तो आप लोग को ये मेरे बारे में जान के थोड़ी मोड़ी जानकारी कैसी लगी, मतलब कैसी नहीं लगी, हाँ ये वीडियो आपको कैसा लगा वो बता दीजिएगा। और भी कुछ आपका क्वेश्चन सब है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ज़रूर पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, सभी सबों को जोहार, बाय।